नमस्कार दोस्तों, शशिकला द विलेज रसोई में आप सभी का स्वागत है। बड़ों को प्रणाम और सभी को नमस्कार करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चावल का नमकीन। तो चलिए देखते हैं नमकीन कैसे बनाने के बनाए। लिए सबसे पहले मैं पानी लूंगी और 1.5 पाव तक चावल है तो उसके लिए हम 1.5 लीटर तक पानी रखेंगे। तो पानी मैं रख दे रही हूँ गर्म होने के लिए, ऐसे ढक देंगे। चावल को भी मैं अच्छी तरह से धो लूंगी। तो यहाँ हमें नॉर्मल चावल लेना है जिसे हम चावल वगैरह बनाते हैं खाने के लिए, दाल चावल या वही चावल है एकदम नॉर्मल जो घर का है। इसमें हमें कोई फैंसी वैंसी चावल नहीं चाहिए, नॉर्मल चावल से हम बनाएंगे। खराब टूटा चावल हो, किनकी वगैरह है जो चावल का नीचे का रहता है, तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ हमने 2-3 पानी से धुल लिया है अच्छे से। तो यहाँ पानी गर्म हो चुका है, गर्म पानी में हम चावल डालेंगे। चावल डाल के हम एक बार इसे चला लेती हूँ और चला के इसे ढांक दूंगी। तो जब तक चावल में उबाल आ रहा है तब तक हम मसाले को, नमकीन के जो मसाले हैं उसे हम पीस लेते हैं। यहाँ हमने लाल मिर्च 3-4 ले लिया है और 1 चम्मच जीरा, कुछ नमक, स्वाद अनुसार हमने नमक लिया है। जिस तरह से हम खिचड़ी वगैरह बनाते हैं हमें उसी प्रकार से उसमें नमक डालना है, तो थोड़ा सा हम नमक इसमें लेंगे मिर्च पीसने के लिए। तो यहाँ जीरा मिर्च और नमक हमने पीस लिया है, इसे उठा लेंगे। तो यहाँ देखिए चावल में भी उबाल आ गया है एकदम अच्छे से। तो एक बार इसे हम चला लेते हैं ताकि नीचे पकड़े ना। तो उबाल आ चुका है, तो यहाँ जो हमने मसाला पीसा हुआ था नमकीन के लिए इसमें डाल दूंगी और नमक भी साथ में। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी हमने हल्दी लिया है तो हल्दी भी हम डालेंगे इसमें। भी मसाले को हम इस तरह कलछुल से अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढक देंगे। थोड़ा धीमी आंच पे हमें पकाना है। यहाँ देखिए 10-15 मिनट तक हो चुका है, चावल इस तरह से हो गया है। हमें खूब अच्छी तरह से पकाना है, जल्दबाजी हमें नहीं करना है कि इतना समय हो गया है, हमें अच्छे से पकाना है। जब तक ये खूब अच्छी तरह से गाढ़ा ना हो जाए, अच्छे से गल ना जाए, तब तक हमें इसे धीमी आंच पे पकाते रहना है और बीच बीच में चलाते हुए। लगभग आधे घंटे तक हम पकाए हुए हैं इसे। हाँ देखिए एकदम अच्छे से यहाँ गल चुका है। यहाँ देखिए कितना नरम हो गया है, इस तरह से एकदम पिसान जैसा हो गया है। तो इसे अब हम उतारेंगे और ठंडा करेंगे। तो मैं इसे उतारूंगी और एक थाली में इसे निकाल लूंगी ठंडा होने के लिए, ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और मैं इसे नमकीन के रूप में बनाऊं। यहाँ देखिए एकदम खिचड़ी के जैसा बन गया है। अब इसी पे देसी घी मिल जाए और आम का अचार कितना अच्छा लगेगा खाने में। तो हमें इसी प्रकार खिचड़ी जैसा बनाना है। यहाँ मैं निकाल रही हूँ ठंडा होने के लिए। तो यहाँ हम सभी निकाल ली हूँ, जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम कपड़े बिछा लेती हूँ इसे नमकीन बनाने के लिए, और पावा वगैरह ले लेती हूँ। तो यहाँ दोस्तों ठंडा हो चुका है, कटोरी में हमने थोड़ा सा पानी लिया है, तेल हम नहीं लेंगे। और यहाँ एक पावा लिया है जो सेव झाड़ते हैं, और लूंगी थोड़ा सा जो ठंडा है, इस तरह से हमें ले लेना है। और एक बार हाथ में पानी लगा के इस तरह से हमें दबाते हुए ऐसे बना लेना है। यहाँ देखिए दोस्तों इस तरह से निकल रहा है, मैं खड़े होकर बनाती हूँ, आपको दिखाऊंगी किस तरह से नीचे गिर रहा है।
इसी प्रकार से हमें हर जगह जहाँ नहीं है नमकीन वहाँ वहाँ हमें पावा करके ऐसे पूरे नमकीन को हमें झाड़ लेना है सेव के जैसा, और अच्छे से 2-3 दिन तक धूप में सुखाना है। एकदम सरल तरीका है, बहुत आसान है और खाने में भी दोस्तों बहुत अच्छा लगेगा। ये ट्राई करके जब आप चाय के साथ खाएंगे तो देखिए दोस्तों, आपके पास अगर इस तरह से पावा नहीं है तो इस तरह का पौनी अगर है तो आप उस पे भी बना सकते हैं। हाथ में थोड़ा सा पानी लगाते हुए हम इसको लेंगे और यहाँ ऐसे इस तरह से हम प्रेस कर देंगे। देख रहे हैं आप, वैसे एक जगह से दूसरे जगह ऐसे हटाते हुए हम नमकीन को झारेंगे। यहाँ देखिए पौनी का जो सांचा है बहुत छोटा है, इसलिए थोड़ा एकदम छोटा छोटा बारीक बनेगा, और जो इसका सांचा है थोड़ा बड़ा है तो इस तरह से नमकीन निकलेगा। तो हम इसी से बनाएंगे, ये तो आप लोगों के लिए बता रहे थे। दोस्तों हमने चावल जो पकाया हुआ था उसी से नमकीन झार कर तैयार कर दिया है। इसे हम 2-3 दिन तक अच्छे से धूप में सुखाएंगे और तब उसके बाद दिखाएंगे कैसा है। तो देखिए दोस्तों, जो चावल का नमकीन हमने बनाया था धूप में, इसे सुखा लिया है, 2-3 दिन तक इसे सूख गया है अच्छे से। तो अब इसे हम उठा लेते हैं, चलते हैं ट्राई करने। यहाँ बहुत अच्छा सूख चुका है, तो इसे बहुत अच्छी धूप में 2-3 दिन तक सुखा लीजिए। यहाँ देखिए कितना अच्छा आवाज भी कर रहा है। तो देखिए यहाँ तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम ये जो चावल की कुरकुरी हमने बनाया था नमकीन, इसी को फ्राई करेंगे। देखिए यहाँ इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे, देखिए कितना अच्छा फ्लेवर ऊपर आ रहा है। बस तुरंत हमें इसे चलाते हुए निकाल लेना है, अच्छे से सूखा रहेगा तो यहाँ अच्छी नमकीन बनेगी। देखिए कितना अच्छा लाई के जैसा ऊपर आ रहा है। तो इसी प्रकार आप जितना खाने का है चाय के साथ आप खाइए, इसे चाय में भिगोकर और तुरंत भी खा सकते हैं। एकदम लाई के जैसा कुरकुरी रहेगी, नमक और मिर्च सभी इसमें मिलाया हुआ है तो खाने में स्वाद बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।